उड़े उपमाता की कीजिए, जाकांत ना पाया। सेवा करत से ही फल पाया, जिन्नी नाम ते आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, जो असी हुणे ही गुरबाणी की पंक्ति नूं श्रवण किया है, वह धन धन श्री गुरु नानक देव जी पासों उच्चारण की हुई उन्हां दे पट्टी इस सिरलेख हेठ लिखी हुई बाणी की पंक्ति है जी। गुरु नानक देव जी ने जदों गुरमुखी अखर उचारे, उन्होंने कहा हर एक अखर अपने विच एक महत्व रखता है, ते गुरु नानक देव जी ने पट्टी लिखी। संगत जी, आओ जानते हाँ इसका संपूर्ण इतिहास कि यह निर्मूलक गुरमुखी लिपि साडी चोली विच, गुरुआं दे मुखो उचारण कीती हुई लिपि साडी चोली विच गुरु ने पाई, ते असी इस लिपि नूं किन्ना कुछ सांभ सके हां जी। आओ साध संगत जी जुड़दे हां इस साखी दे राही। संगत जी, आप जी सारे देख पा रहे होने हो, मैं लिखिया है गुरमुखी। हां जी, असी सारे बहुत सौखी तरीके नाल इस नूं तां रीड कर पा रहे ने, बिकॉज ये इंग्लिश ते लिखिया हुआ है। पर हां जी, कई लोग, कई सिख इस लिपि नूं शायद नहीं पढ़ पा रहे होने। ये है गुरमुखी, गुरु दे मुखो उचारण कीती हुई लिपि, स्क्रिप्ट। और ये स्क्रिप्ट है साड़ी मां बोली पंजाबी दी। साध संगत जी, जो साखी मैं आप जी नाल सांझी पाण जा रही हां, वो है भाई लहना जी तो लैके गुरु अंगद देव जी दी जर्नी, ते भाई लहना जी तो लैके गुरु अंगद देव जी दी जीवनी तो गुरमुखी किवें को मेल खांदी है। आओ जानते हैं साध संगत जी। भाई लहना जी हिंदू परिवार विच जन्मे, अते उन्हां दे पिता जी वैष्णो देवी दे पुजारी सन। ते एक दिन भाई लहना जी शनान करन नूं गए, उथे भाई जोधा जी भी शनान कर रहे सी। जिदा हर एक सिख परिवार दे अते गुरुआं ने यह गुड़ती दित्ती गई है कि इशनान करन वेले भी गुरु दे बाणी दा जाप करना है जी, ओवे ही भाई जोधा जी कर रहे सी। जदो भाई जोधा जी गुरु नानक देव जी दी निर्मोलक बाणी नूं अपनी कंठ दे राही बोल रहे सी, गायन कर रहे सी, ते भाई लहना जी ने, भाई लहना जी दे कन्ना ने इस नूं श्रवण कीता, भाई लहना जी दे कन्ना ने इस नूं श्रवण कीता। संगत जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय हैं, सेंस ऑर्गन्स है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स विच प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ ऑफ भाई लहना जी। भाई लहना जी दी जीवनी दे विच अते भाई लहना जी दी जीवनी तो सानू इस ज्ञान इंद्रिय दी महत्वता बारे समझ आउंदी है। जदों भाई लहना जी दे कन्ना ने धन धन गुरु नानक देव जी की निर्मोलक बाणी नूं श्रवण कीता, भाई जोधा जी पासों भाई लहना जी पुजारी बन गए गुरु नानक देव जी दे। उन्हां दे मना दे विच तांग उठी कि मैनूं गुरु नानक देव जी दे दर्शन करने हन, अते पिता जी दी लहर नूं वधाउंदियां होइयां एक दिन भाई लहना जी तीर्थ ते गए, वैष्णो देवी दे तीर्थ अस्थान ते, जिथे ओह संगत नूं नाल लै जांदे सी। पर हुण भाई लहना जी दे मना दे विच एही तांग है कि मैनूं गुरु नानक देव जी नूं मिलना है जी। ते जिथे ओह यात्रा वर गए सी, उतों कुछ कु दूरी ते ही करतारपुर साहिब सी, जिथे साडे धन गुरु नानक देव जी वासा कर रहे सी। ते भाई लहना जी ने निश्चय कीता कि मैं हुण यात्रा तो भरत कर नहीं जाणा, मैं करतारपुर साहिब विखे जाणा है ते गुरु नाल मिलाप करना है जी। ते भाई लहना जी गुरु नानक देव जी दे ग्रह विखे पुजे, अते गुरु नानक देव जी नाल मिलाप होया। हुण मिलाप होण तो बाद भाई लहना जी गुरु नानक देव जी दे
सिख बन गए, गुरु नानक देव जी दे सिख बन गए। संगत जी, इस साखी नूं अगां तोरन तो पहला मैं आप जी नाल सब तो पहला स्कूल दा संपूर्ण फुल फॉर्म सांझा पाना चाहुंदी हां। स्कूल SCHOOL, एस सिंसियरिटी, सी कैपेसिटी। आप जी सारे सोच रहे होने कि मैं ये फुल फॉर्म क्यों सांझी पा रही हूं। संगत जी, अगर साखी नु श्रवण कर दिया इस दे सुमेल बारे भी सानू आगा होवेगा जी। H stands for honesty, O stands for orderliness, O stands for obedience, L stands for learning। हां जी, गुरु भाई लैणा जी बन गए सी सिख, ते सब तो पहला आई लर्निंग। ते संगत जी, जे मैं आप जी नाल स्कूल दा फुल फॉर्म सांझा पाया है, ते स्कूल दा फुल फॉर्म सांझा पाया ते स्कूल दे विच दाखला लैण तों बाद एक बच्चा पहले लर्निंग करदा है, पढ़ाई करदा है, पढ़ाई नूं ग्रैंड करन तों बाद बच्चे दा टेस्ट होंदा है जी। टेस्ट, ये टेस्ट बच्चे दे क्लास टीचर पासों लिया जाता है, क्लास टीचर पासों। पाई लैणा जी बन गए सिख, सिख सिखण वाला, जिन्हां ने गुरु नानक देव जी दी बाणी दा अध्ययन कीता, अध्ययन करन तो बाद हुण क्लास टीचर धन धन गुरु नानक देव जी ने पाई लैणा जी दा टेस्ट लिता। ओ की वे संगत जी, आओ जानदे हां। भाई लैणा जी गुरु नानक देव जी दे ग्रह विखे हुण रहण लगे, क्योंकि हुण ओ गुरु नानक देव जी दे सिख बन गए जी। आप जी सारे सोच रहे होणे आ मैं आप जी दे सामने ये दीवाल क्यों खड़ी कीती है। हां जी, इसे दा इम्तिहान होया सी भाई लैणा जी दा। ओ कीवें, एक दिन गुरु नानक देव जी दे शहर विखे करतारपुर साहिब विखे बहुत जोर दी मीह पई, ते मीह दे करके धन धन गुरु नानक देव जी दी घर दी एक दीवाल ढह गई, घर दी एक दीवाल ढह गई संगत जी। ते गुरु नानक देव जी ने अपने दोनों सपुत नूं बेनती कीती कि सपुत हुणे राती सानूं इह दीवार इस तरह खड़ी करनी पैणगी। ते दोनों पुत्र ने कहा, पिता जी असी नहीं कर सकते, सवेर असी मिस्त्री नूं बुला के एक काम करा लैणगे। पर भाई लैणा जी ने गुरु जी नूं बेनती कीती, गुरु जी की मैं ये कर सकदा? गुरु जी ने कहा, जी सदके भाई लैणा जी, भाई लैणा जी इस दीवाल नूं, ढही हुई दीवाल नूं खड़ा करन दी कोशिश कीती, ढही हुई दीवाल नूं खड़ा करन दी कोशिश कीती। पर हां जी, जिस तरह भाई लैणा जी भी कोई उस्ताद नहीं सीगे, ना ओ कॉन्ट्रैक्टर, ना ओ कंस्ट्रक्टर सीगे, ना ओ कोई मिस्त्री सीगे, पर उन्हां ने कोशिश कीती, ते कोशिश कर दिया होया ए दीवाल उंज नहीं खड़ी हुई जिदा कि खड़ी होनी चाहीदी सी। ते भाई लैणा जी नूं गुरु नानक देव जी ने कहा, लैणा जी ए ठीक नहीं है। भाई लैणा जी ने कहा, गुरु जी कोई नहीं, मैं फिर कोशिश करांगा। दीवाल नूं ढा दित्या गया ते फिर कोशिश कीती, ओवे ही दूजी वारी फिर दीवाल नूं ढह दित्ता गया, फिर कोशिश कीती। संगत जी, इस सब तो पहला टेस्ट जो भाई लैणा जी दा होया, उस तो सानू ए जागृति मिलदी है जी कि ए है सिंसियरिटी। संगत जी, सिंसियरिटी ओ होंदी है कि आप जी ने कोई भी कम चाओ नाल करना है, कोई भी कम चाओ नाल करना है, हालांकि कोई भी काम नू चाओ नाल इसी करके करना है कि सानू ए ना चाहिदा होए कि मेरे काम वास्ते ताड़ियां बजन, रिवार्ड्स इज दी एक्सेप्टेशंस ना होवन, ओ है सिंसियरिटी। ते भाई लैणा जी सब तो पहले इम्तिहान विच पास होए, पहला टेस्ट विच पास होए, उन्हां दा दूजा टेस्ट लिया गया जदो गुरु नानक देव जी शनान कर रहे सी, ते गुरु नानक देव जी दा शनान वाला लोटा गंदे पानी विच डिग गया, ते जदो ओ गंदे पानी विच डिग गया फिर गुरु नानक देव जी ने अपने सपुत नूं बेनती कीती कि सपुत मेरा लोटा ले आओ।
ते सपुत जी ने जवाब दिता, गुरु जी ए साडा काम ने, गंदे पानी विच सानू हाथ पाण नू कह रहे हो। ते भाई लहणा जी लागे खलोए सी, भाई लहणा जी ने कहा, गुरु जी ए सेवा मैनू बख्शो जी। ते भाई लहणा जी जाके उस गंदे पानी दे विच हाथ वाड़ के उन्होंने गुरु साहिब जी का लोटा कढ़ के साफ करके गुरु महाराज नू दिता। एक टेस्ट सी उन्हां दी ह्यूमिलिटी दा, हम्बलनेस। सानू कोई भी काम नीवा जां उच्चा समझ के नहीं करना है जी। ए है लर्निंग, ए है सच्चाई, ए है ऑनेस्टी, ए है उन्हां दी मेंटल एबिलिटी कैपेसिटी जो भाई लहणा जी ने हर एक इम्तिहान नू पास कीता। संगत जी, जदों एक क्लास टीचर टेस्ट लेंदी है ना, टेस्ट लैंड तो बाद बच्चिया का होंदा है एग्जाम। हाँ जी, एग्जाम। एग्जाम का फुल फॉर्म की है जी? एक्सपोजर, एनालाइज, मॉड्यूलिंग सिस्टम। एक्सपोज, एनालाइज, मॉड्यूलिंग सिस्टम। जो असी भारी रूप ते अपने आप नू प्रेजेंट करदे हां, जिस तरह दी अपनी पढ़ाई नू असी इम्तिहान दे पेपरां विच लिख के दर्ज करदे हां, उस नू कोई एनालाइज करदा है, कोई चेक करदा है। पर हां जी, हुण एक क्लास टीचर नहीं होणगे, ए होणगे बाहर दे लोग, दूजी टीचर्स। और गुरु नानक देव जी ने भाई लहणा जी का जो टेस्ट लिता, गुरु नानक देव जी ने पूर्ण तौर पर यह विश्वास हो गया सी कि भाई लहणा जी हुण एग्जाम देने दे काबिल हो गए हैं, ते भाई लहणा जी नू पदवी दिती गई। हाँ जी संगत जी, पोस्ट। एग्जाम तो बाद उन्हां नू प्राप्त हुई पोस्ट। केड़ी पोस्ट सी? ओ पोस्ट सी गुरुशिप दी। गुरता गद्दी ते विराजमान होए भाई लहणा जी, ते सानू प्राप्त होए दूजे पातशाह धन धन गुरु अंगद देव जी। ते संगत जी, तुहानू हुण भी संकोच हो रहा होएगा कि मैं पूरी साखी तां तुहानू सुना दित्ती, पर इत्थे ये स्कूल दा कॉन्सेप्ट किथे आ गया? पर हां जी, जानदे हां जी, गुरु दे मुखो उच्चारण कीती होई लिपि धन धन गुरु नानक देव जी पासो उच्चारण कीती सी, पर उस नू तरतीब वार स्टैंडर्डाइज कीता साडे दूजे पातशाह धन धन गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने। ते संगत जी, सानू सारियां नू ए ता ज्ञान होएगा, सानू सारियां नू ए ता पता है, फर्स्ट स्कूल, फर्स्ट वुमेन स्कूल वॉज एस्टाब्लिश बाय रिस्पेक्टेड सावित्री बाई फुले। पर हां जी, मैनू आप जी नाल इह सांझ पाउंदियां अत्यंत गर्व महसूस होंदा है कि सब तो पहला पाठशाला, सब तो पहला स्कूल आरंभ होया सी मेरे तन तन गुरु अंगद देव जी पासो। सब तो पहला गुरमुखी पाठशाला आरंभ हुई तन तन गुरु अंगद देव जी पासो। इसे करके संगत जी, मैं आप जी नाल स्कूल दा फुल फॉर्म दी सांझ पाई, अते तो आप जी नाल इसे करके सांझ पाई कि हर एक परीक्षा विच भाई लहणा जी ने पास कीता, ता जाके भाई लहणा जी नू ए पदवी हासिल होई, गुरु अंगद देव जी बने। ते गुरु अंगद देव जी बनन तो बाद उन्होंने गुरु दे मुखो उच्चारण कीती हुई लिपि नू स्टैंडर्डाइज कीता, स्टैंडर्डाइज तरतीब वार लिख के साडी चोली ते पाया। चोली ते पाण तो बाद धन धन गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने पाठशाला आरंभ कीती, गुरमुखी दी सब तो पहली पाठशाला। संगत जी, धन धन गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने इस पाठशाला तो सानू एक गुरमुखी दा दरखत दिता, सानू एक गुरमुखी दा दरखत दिता। संगत जी, मेरा आप जी अगे सब तो पहला सवाल ए है, जिस पंथ दे गुरु ने सब तो पहला पाठशाला आरंभ कीती, जिस पंथ दे गुरु ने सब तो पहला पाठशाला आरंभ कीती, आज उस धर्म दे वसलीका ने किन्ने कु पाठशाला एस्टैब्लिश कीती है जी, किन्ने कु पाठशाला सिख धर्म पासो बनिया गईया है। ये मेरा पहला सवाल है जी। ते मेरा दूजा सवाल संगत जी, इस दरखत दे फलां नू असी किन किना ने चखिया है जी, किन किना ने इना फलां नू चखिया है जी।
संगत जी मेरा तीजा सवाल, इतनी निर्मोलक लिपि गुरमुखी, इतनी निर्मोलक लिपि गुरमुखी जो है पंजाबी मां बोली दी लिपि, पंजाबी मेरी मां बोली अज किन्ना किन्ना सिख परिवारां दे घरां दे विच बोली जांदी है जी। संगत जी मैनूं पूरी न्यास है आप जी इन्हां तिन्नां सवालां दे जवाब नूं अपने विच टटोलोगे जी, ते सानूं पूरी न्यास है इस इंटरनेशनल कंपटीशन साखी दे कंपटीशन राही असी अपने इतिहास नाल जागरूक होंदियां होइयां अपनी पड़तोल जरूर करांगे जी, अते इस गुरमुखी पाठशाला नूं वड्डे फुल्लदे रखांगे जी। संगत जी जिस तरह आप सारिआं नूं ज्ञात है जी ये टेक्निकल युद्ध युग चल रहा है, ते मैं आप जी अगे दो हाथ जोड़ बेनती करांगी संगत जी कि आप जी इस साखी नूं वध तो वध लाइक शेयर अते सबसक्राइब करना जी, शेयर इसे करके क्योंकि घर घर अंदर पंजाबी मेरी मां बोली बोली जाए अते इस लिपि नूं हर कोई अध्ययन करे जी। संगत जी इस साखी नूं आप जी नाल सांझ पाउंदियां होईआं बेअंत प्रकारां दीआं भुल्लां चुक्कां दी खिमा जी, आओ साध संगत जी फतेह दी सांझ करदे हां जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।